जी बच्चे प्लीज लिसन फॉर टर्म वन देयर इज प्रैक्टिकल वर्क आल्सो फॉर यू ऑल एज आफ्टर योर एग्जाम्स द बोर्ड एग्जाम्स योर टर्म वन विल बी फिनिश्ड राइट देन द टर्म टू विल स्टार्ट दैट इज विद अ न्यू सिलेबस एंड न्यू चैप्टर्स एंड एवरीथिंग न्यू राइट सो टर्म वन का हमारा प्रैक्टिकल वर्क वॉज लेफ्ट सो आई एम गोइंग टू कम्प्लीट दैट प्रैक्टिकल वर्क एंड फॉर टर्म वन इन बायो यू आर हैविंग ओनली वन एक्सपेरिमेंट इन टर्म वन वी आर हैविंग ओनली वन एक्सपेरिमेंट काइंडली राइट इट डाउन This is for the biology practicals. You will be doing this activity in the files, right? The practical file, as usual, you people used to take the practical file, one common for all the three subjects, PCB, okay, physics, chemistry, and bio, you know that, right? A single common file is to be taken, and you are going to use it half of that file for term one. ठीक है पहले सारे फिजिक्स के जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं या बायो का या केमिस्ट्री का जो भी है पहले एक पोर्शन कंप्लीट करना है फिर सेकंड वाला फिर थर्ड वाला ठीक है हाफ ऑफ द फाइल फॉर योर टर्म वन इफ देयर इज अ सिंगल फाइल फॉर बोथ द टर्म्स एंड इफ देयर इज अ देयर आर टू फाइल्स दैट इज टर्म वन सेपरेट एंड टर्म टू सेपरेट देन यू कैन यूज एज सच ठीक है बट द फाइल्स आर अवेलेबल इन द बुकशॉप ऑल्सो यू कैन टेक देम राइट नाउ लिसन फॉर द बायो प्रैक्टिकल देयर इज ओनली वन एक्सपेरिमेंट दैट वी हैव टू परफॉर्म And that is to study that carbon dioxide is released out during respiration. To study that carbon dioxide is released out during respiration, ये check करने के लिए हमें एक practical experiment perform करना है ठीक है What do we require for all this experiment to be done? The materials required are number one, you require the germinating seeds. Okay, don't just write the seeds, write the germinating seeds. Keep on writing. Germinating seeds means the sprouts. Okay, we are not to take the raw seeds, right, for the experimentation. रॉ सीड्स के साथ ये नहीं होगा कच्चे सीड्स आप डाल देंगे उससे एक्सपेरिमेंट नहीं होगा आपको इसको ओवरनाइट सोक करके रखना है पानी में सीड्स को जस्ट बिट ऑफ द सीड्स लाइक आपने अगर अपने हैंडफुल ले लिया और उसको पानी में सोक कर लिया एंड देन यू विल बी प्रोसीडिंग फॉर द सेटअप राइट सो द मटीरियल्स रिक्वायर्ड आर द जर्मिनेटिंग सीड्स नंबर वन सेकेंड इज यू रिक्वायर द कॉनिकल फ्लास्क सेकेंड Then third, you require a test tube. You require two cork, rubber cork होता है मैं बताती हूँ आपको two cork, one bent tube, one small tube and thread. One small tube, thread, and some colored crystals also. Like I have introduced the potassium permanganate ke crystals यहाँ पे मैंने डाले हैं KMnO4 के ठीक है You can put any crystals just to provide the color. You can even put the dye, food color. कुछ भी डाल सकते हैं हम just to provide the color to the solution. ठीक है अब हमने ये सारी चीजें लेनी ठीक है done, right? And also the potassium hydroxide. Small test tube में आपने potassium hydroxide लेना That is to absorb carbon dioxide, है ना अब हमने इसको परफॉर्म कैसे करना है सेटअप कैसे बनाना है ये लिख लिया आपने पहले राइट यू हैव डन आई शो यू द दिस वन सेटअप विच वी हैव मेड ऑलरेडी एंड देन वी विल बी परफॉर्मिंग इट इन टू वेज ठीक है आपको ये प्रैक्टिकल्स में मैं बताऊंगी ये दो तरीके से होता है ये देखो दिख रहा है आपको ये सेटअप पूरा ठीक है दिस इज द कॉनिकल फ्लास्क राइट द बेंट ट्यूब लिखा ना मैंने वन बेंट ट्यूब इज वॉट ये कनेक्टेड ट्यूब है जो दोनों में चल रही है ठीक है दीज आर द रबर कॉक्स ये रबर कॉक लगा हुआ है ऊपर स्टॉपर ठीक है एक ये डन टेस्ट ट्यूब कलर्ड वाटर जिसकी मैं अभी बात करी थी फूड कलर से भी कलर कर सकते हैं यहाँ सिंपल आप कोई भी क्रिस्टल्स कलर्ड क्रिस्टल्स डाल दें जिससे इसमें कलरेशन आ जाए ठीक है अब हमने किया क्या इसके अंदर ये स्मॉल टेस्ट ट्यूब नजर आ रहा है आपको ये फ्लास्क के अंदर यू कैन सी हाँ जी ये स्मॉल टेस्ट ट्यूब दिख रही है आपको बीच में ठीक है This small test tube, देखो इस साइड से दिख रही हाँ जी दिख रही है ये स्मॉल टेस्ट ट्यूब ठीक है दिस स्मॉल टेस्ट ट्यूब कैरीज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
What is the potassium hydroxide for? For absorbing the carbon dioxide. Now what is happening is there is some air within the flask. समझ लो इसको, ये हो क्या रहा है, experiment show कैसे हो रहा है. There is the air in the flask. ठीक है, air में क्या है, oxygen. हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, respiration. है ना, we are emphasizing only on the respiration. During respiration carbon dioxide is given out or not. Whatsoever the oxygen is there will be taken up by the germinating seeds. ठीक है, जितने भी ये germinating seeds हैं, ये क्या करेंगे, they will be taking up the oxygen because they need to respire, because they are germinating, means it's a continuous process for them. You know, they are continuing the process of germinating. Now these seeds, they take in oxygen, they are taking in oxygen, afterwards they release out carbon dioxide. All the carbon dioxide which is released in the flask will be absorbed by the small test tube, that is KOH. What will be there in this? A vacuum will be created after a bit while, jo bhi thoda sama lagega. लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्लास्क में एक वैक्यूम क्रिएट होता रहेगा. अब सीड्स को तो ऑक्सीजन चाहिए, वो क्या करेंगे, वो इस बेंट ट्यूब की ऑक्सीजन निकालेंगे. दे विल सक आउट ऑल दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द बेंट ट्यूब. जैसे जैसे ये इसकी ऑक्सीजन खींचेंगे, वैसे वैसे ये पानी का लेवल राइज करेगा. व्हाई वी हैव केप्ट द कलर्ड वाटर हियर, ताकि हमें इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जो बेंट ट्यूब आपने डाली है, अगर आप इसको बहुत पास से देखते हैं, इफ इट इज विजिबल लेट मी शो यू, आपको भी दिखाती हूँ मैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी और ऑफलाइन को भी. ये देखो यहाँ पे, इसमें अगर आप देख रहे हैं, कलर्ड वाटर के अंदर जो ट्यूब है उसका हल्का सा मेनिस्कस ऊपर है. ठीक है, इज इट विजिबल वेरी मच क्लियर, यू पीपल कैन सी दिस. हाँ जी, आप देखो ऑफलाइन स्टूडेंट्स, देखो ट्यूब के अंदर जो पानी है उसका हल्का सा लेवल ऊपर है. अगर आप यही ट्रांसपेरेंट पानी, मतलब सिंपल पानी लेते हैं यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में, तो पता नहीं चलेगा. ठीक है, जस्ट फॉर दैट सेक वी आर टेकिंग द कलर्ड वाटर. Clear what process has been made and how this setup has been done, right? यहाँ हमने germinating seeds लिए, इन्होंने oxygen को absorb किया, carbon dioxide release किया, carbon dioxide सारा KOH ने ले लिया और उससे vacuum create हुआ, जिससे ये यहाँ bent tube की oxygen को खींचेंगे. जब इसकी oxygen को खींचा जाएगा, suction pressure लगेगा, साथ में ये पानी जो है वो rise करेगा. ठीक है, and you will see the water of the level, colored water that will rise up. As a resultant, is it clear? Done. Now this experiment can be done in some other way also. दूसरा तरीका क्या है, सुन लो. अगर हम यहाँ KOH नहीं लेते, पहली चीज, और यहाँ हम colored water की जगह lime water लेते हैं. ठीक है, हमने दो इसमें replacements करनी है. अगर यहाँ पे colored water लिया है तो KOH होना चाहिए. अगर यहाँ colored water की बजाय lime water लिखा आता है, क्योंकि आपके MCQs हैं. ठीक है, MCQs में डायग्राम बना दिया उन्होंने, मैं भी बनाती हूँ आपको, यहाँ पे डायग्राम देती हूँ. डायग्राम बना दिया और यहाँ पे उन्होंने कलर्ड वाटर की जगह लेबल किया लाइम वाटर, तो लाइम वाटर में KOH नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं आएगी, राइट. अगर टेस्ट ट्यूब में कलर्ड वाटर की जगह क्या है, लाइम वाटर, तो KOH वाला टेस्ट ट्यूब नहीं डालना. उससे अब क्या होगा, सिंपल है, सीड्स इज जर्मिनेटिंग, दे विल बी टेकिंग इन ऑक्सीजन, प्रोड्यूसिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन लेते जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने एक्सहेल आउट करते जाना. ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस पाइप से होते हुए जाएगी लाइम वाटर में, एंड इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्क. अगर अब यहाँ KOH लगा देते हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब हो गई, ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब हो गई, लेवल इसका बढ़ेगा नहीं, लेवल नहीं बढ़ेगा, लाइम वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा, है ना. तो लाइम वाटर क्या है, वो वैसे भी व्हाइटिश इन कलर एंड कलरेशन नहीं है. हमने एक्सपेरिमेंटेशन दो तरह से देना है, या लाइम वाटर ले रहे हो KOH, मतलब लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, दैट इज अ प्रॉपर टेस्ट. नहीं, लाइम वाटर राइज तो खैर करेगा, लेकिन दैट वोंट बी अ करेक्ट ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अगर आप यहाँ KOH ले रहे हो तो दैट मीन्स यू आर शोइंग इट्स एब्जॉर्प्शन, तो हम राइज एक्सपेक्ट करते हैं. अगर KOH नहीं लिया तो राइज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हम, है ना, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट राइज. कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है वहां पे, उसकी वजह से वो इसको मतलब खींच तो नहीं ना पाएगी, सक्शन नहीं कर पाएगी, समझ आया कि नहीं. ठीक है, अगर यहाँ लाइम वाटर लिया है तो चेंज आएगा हमारा कलर चेंज, अगर यहाँ कलर्ड वाटर लिया है तो चेंज क्या आएगा, राइज चेंज, लेवल चेंज. इसमें कलर चेंज क्या हुआ है, वो तो पानी में डिजोल्व करने पे आया, वो तो उसका सोल्यूशन का कलर प्लस यहाँ पे डिल्यूशन हो गई उसकी वजह से. ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गई एक्टिविटी, क्लियर टू ऑल. सो आई एम मेकिंग टू डायग्राम्स, डोंट मिक्स दीज डायग्राम्स. ठीक है, बातें नहीं. हाँ,
अभी हुआ नहीं है, होगा अगर ये जर्मिनेटिंग सीड्स होंगे, ये सांस लेंगे तो ये होगा, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब, ये बेंट ट्यूब नजर आ रही है ना टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसका लेवल एक नजर आ रहा है अलग से, अलग दिख रहा है ना देखो। और ये ऊपर जाएगा, ये राइज करेगा थोड़े समय में, मतलब समय लगेगा, जैसे जैसे रेस्पिरेशन चलेगा साथ साथ में ऊपर राइज करेगा। हाँ जी, क्लियर, द सेटअप इज क्लियर। नाउ मेक द टू डायग्राम्स बोथ सेपरेटली। आप दोनों में से कोई एक प्रोसीजर लिखेंगे अपनी फाइल में, ठीक है, दोनों नहीं लिखेंगे, दोनों में से कोई एक लिखेंगे फाइल में। डन, डायग्राम में देने लगी हूँ। एक जिसका प्रोसीजर लिखोगे सिर्फ उसी का डायग्राम बनाओ, ठीक है, कॉपी पे लिखा। हाँ जी, साइलेंट साइलेंट। नाउ मेक द डायग्राम एंड अकॉर्डिंगली राइट द ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन समझ आ गई, ठीक है। दोनों में बना रही हूँ यहाँ पे, सेटअप वन एंड सेटअप टू, आपको दोनों तरीके से पेपर में आ सकता है। सो मेक द बोथ द डायग्राम्स ऑफ दिस एक्टिविटी। सेटअप वन, वेयर इज योर नोटबुक? नहीं जी, अब अपना बनाए प्लीज, जल्दी जल्दी। हाँ जी, सो दिस इज द कॉनिकल फ्लास्क। फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉनिकल फ्लास्क दैट हैज द जर्मिनेटिंग सीड्स इन इट, ठीक है। हाँ जी, ऊपर बनाऊ? हाँ जी, सो दिस इज सेटअप वन, द कॉनिकल फ्लास्क। द कॉनिकल फ्लास्क दैट हैज द जर्मिनेटिंग सीड्स, सो यू विल बी ऑल्सो शोइंग द सीड्स जर्मिनेटेड। हाँ जी, सो दीज आर द सीड्स दैट विच आर जर्मिनेटिंग बिकॉज दे आर लुकिंग एज द स्प्राउट्स आर कमिंग आउट, राइट। सो जर्मिनेटिंग सीड्स यू कैन मेक सिंपली द सीड्स दैट हैव बीन जर्मिनेटिंग, सोक देम ओवरनाइट एंड देन कीप इट इन द फ्लास्क। डन, प्लेस द कॉर्क हियर, दिस इज द कॉर्क, द रबर कॉर्क विद अ बेंट ट्यूब प्लेस्ड इनसाइड। बेंट ट्यूब आपने यहाँ पे लगा देनी है, और कॉर्क लगाने से पहले आपने एक थ्रेड के साथ यहाँ पे क्या हैंग किया था, स्मॉल टेस्ट ट्यूब ऑल्सो, ठीक है। सो अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब विद अ थ्रेड ऑल्सो यू हैव हैंग हियर, दिस इज अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब विद अ थ्रेड दैट इज रोलिंग ऑन इट। हाँ जी, आर यू मेकिंग? देन द कॉर्क इज देयर एंड फ्रॉम इट वी हैव प्लेस्ड अ बेंट ट्यूब, दिस इज द कॉर्क। डन, नाउ द बेंट ट्यूब दैट विल बी वन एंड इज फिक्स्ड इनटू द कॉनिकल फ्लास्क एंड द अदर एंड ऑफ दिस इज फिक्स्ड इनटू द टेस्ट ट्यूब। सो दिस इज द बेंट एंड, अदर एंड जस्ट इमर्स इट विद इन द colored water, this is the test tube now, and for the test tube again you will be putting one cork, this is the test tube and a cork from where goes the vent tube, so this is the cork. Are you getting? Fix this within the water or the colored water that you have taken, right? So this is the bent tube and the water, colored water that you have taken in the test tube. So this is the colored water. The meniscus, that is the level, rises a bit in the bent tube. Bent tube mein thoda halka upar hoga. Ye dikh raha hai aapko, yahan pe maine iska level yahan tak banaya hai solution ka, aur bent tube ka level thoda sa upar hai, theek hai, solution ka jo colored water liye. Done, theek hai. Now label these. Now label these as, number one, these are the germinating seeds. This is KOH. Then this is the bent tube. Bent tube. Rubber corks. And colored water. डन, सो ये प्रोसीजर में भी आपने ऐसे ही लिखना है फॉर सेटअप नंबर वन।
This is for setup number one. When you are writing this, then you will be writing the same procedure. Take the germinating seeds in the conical flask, then put a, with the help of the thread, hang a small test tube and put the KOH in it, potassium hydroxide in it, right? Fix the bent tube and the thread in the conical flask with the help of the cork. Now the other end of the bent tube is immersed within the test tube carrying colored water. ये procedure लिख दिया, ठीक है, fix it again with the rubber cork, done. तो ये procedure हो गया. Now your observation. What is your observation? After a few while, that is after some time or after a few minutes, the level of the water will rise up. यहाँ पे आप mark भी करें. This is the initial level. यहाँ पे initial level mark करो. जहाँ आपने थोड़ा सा ऊपर किया है इसको पानी को, that is the initial level, and then provide the final level also. ठीक है, थोड़ा हल्का ऊपर उस पे फाइनल लेवल मार्क कर दो इसको, फाइनल लेवल, मार्क द अदर लेवल एज द फाइनल लेवल, डन. हां जी, दैट इज बिकॉज ऑफ द सॉल्यूशन इन द वाटर दैट इज गेटिंग डिल्यूटेड. पोटेशियम परमैंगनेट कलर देने के लिए. हाँ, तो वो पहले मिक्स नहीं ना हुआ है, वो तो ऐसे ही हल्का मिक्स कर गए ना. इट वॉज नॉट प्रॉपरली मिक्सड, इट ऑल सेटल डाउन, नाउ इट इज डिस्पैचिंग आउट. इसको शेक नहीं ना किया डालने के बाद, इसीलिए आपको ऐसा नजर आ रहा है. अब वो नीचे से एक्चुअली डार्क होगा, पहले वो फेड हो गया सारा, अब वो डार्क होगा. ठीक है, हाँ जी, ये क्लियर हो गया यहाँ पे. Done. Setup one is clear. Observation में लिखेंगे आप. Observation is after a few minutes you will see when the germinating seeds they respire, they start respiring. Observation क्या है आपका, simple. The level of colored water within the bent tube rises up. Simple ये observation. ठीक है, the level of water within the bent tube rises up. The level of colored water within the bent tube rises up. That was your observation. Now coming to the conclusion. What is the conclusion of this experiment? How it took place? Yes. This will show that the germinating seeds, while respiring, took in all the oxygen available and released out the carbon dioxide. The carbon dioxide which was released in the conical flask is all absorbed within the KOH. Further, this will start taking the oxygen or pulling up the gas from the bent tube, because of which there will be a pulling action or a suction pressure created on the level of the colored water within the bent tube. Hence, it rises up. Okay? So, this shows that the carbon dioxide is released out during respiration. They are not taking oxygen from the colored solution. They are taking oxygen from the bent tube. वो इस हवा को भी खींच रहे हैं. जब वो इस हवा को खींचेंगे, यहां से खींचेंगे, तो पानी का लेवल ऊपर चढ़ेगा. ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशन वाले हमारे एरोज आप बना लो एंड में. दिस इज दे आर टेकिंग इन द एयर, एयर खींचा जा रहा है. ठीक है, एयर लिया जा रहा है. हाँ जी, इज इट क्लियर, डन हो गया. दिस वॉज द फर्स्ट सेटअप. कमिंग टू द सेकेंड सेटअप, ये बन गया है तो आई विल इरेज दिस एंड आई विल परफॉर्म द अनदर एक्सपेरिमेंट. लेबलिंग करो जल्दी से. वेरी गुड, हो गया. हाँ जी, जल्दी करो जल्दी. हाँ जी, सेकेंड सेटअप. Setup two. With a few changes now. What are the changes? हाँ जी, अब फिर से वही आपने बनाना है setup. That is the conical flask with the rubber cork and a bent tube out of it. बनाओ जल्दी जल्दी. This is the bent tube. On the other end, immerse the bent tube within the lime water. Now you have to immerse it within the lime water completely. ठीक है, आपने ये lime water में immerse कर दी bent tube.
और ये यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। हेयर अगेन देयर इज अ कॉक, दिस इज द रबर कॉक एंड वी हैव इमर्स द वेंट ट्यूब विद इन द लाइम वॉटर। सो दिस इज द लाइम वॉटर, नॉट द कलर्ड वॉटर। नो दिस इज लाइम वॉटर एंड हेयर द कॉनिकल फ्लास्क। सारा सेम है, सिर्फ लाइम वॉटर करना है और KOH हैंग नहीं करना, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क, रबर कॉक, बेन ट्यूब, सेम सारा कुछ, और नीचे जर्मिनेटिंग सीड्स एज सच, जैसे पहले बनाया आपने। KOH नहीं लेना बस, ठीक है। नाउ व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन इज लाइम वॉटर टर्न्स मिल्की। हाउ इट टर्न्स मिल्की? हाँ जी, when they will release out carbon dioxide, they take in all the oxygen, oxygen is taken in and carbon dioxide is released out. Carbon dioxide then goes out from the bent tube into the test tube. Carbon dioxide जा रही है ना, अब air rich in carbon dioxide goes out from the bent tube, reaches the other test tube and there it turns the lime water मिल्की। टर्निंग द लाइम वॉटर मिल्की, क्लियर? हाँ जी, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन हेयर इन दिस एक्टिविटी? हाँ जी, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सेटअप्स में कोई एक सेटअप करना है, दोनों करने हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन एक मिनिमम करना ही करना है, ठीक है। सो दिस इज ओनली वन एक्सपेरिमेंट, राइट। Now listen how you will be forming this in the practicals. For the practical file, practical files आप लोग मंडे को लेके आएंगे, ठीक है बेटा। टाइम ज्यादा दिया जाएगा दिस मंडे। यू हैव वन डे हॉलीडे इन बिटवीन। हाँ जी, ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन फॉर दिस। यू आर हैविंग ओनली वन एक्टिविटी। व्हाट यू कैन डू इज, अब अपनी एक एक्टिविटी दो पेजेस पे कंप्लीट करेंगे, ऐसे आपकी फाइल होती है ना, दैट इज अ प्लेन पेज एंड द रूल्ड पेज, ठीक है। नाउ यू नो व्हाट टू राइट, राइट। दो पेजेस की इकट्ठी पिक खींच के आप लोगों ने अपने क्लास ग्रुप्स में डाल देनी, ठीक है। जो बायो चेकिंग का ग्रुप बना है ना हमारा, एक सिर्फ पिक खींच के, फोटो नॉट द PDF। आर यू गेटिंग? So by Sunday evening you can do this, that is tomorrow evening. Just one page. Monday आप लोग को physics या chemistry वाले जो भी teachers बोलेंगे, files जब भी उन्होंने collect करनी है, क्योंकि उनका थोड़ा काम ज्यादा है ना, तो chemistry या physics की जब भी files collect होनी है, मैं अपने आप उनसे लेके आपकी physically check कर दूंगी, manually पूरी copies आपकी, ठीक है। वहां पे signatures होने जरूरी है। जब आपकी file physics या chemistry वालों के पास जाएगी तो वहां मैं अपने आप manually check कर दूंगी, बट फिलहाल के लिए आप मुझे मेरा वर्क भेज दें, डन है, ठीक है। बाय टुमारो इवनिंग यू विल बी सेंडिंग ओनली वन फोटो, इट शुड बी वन फोटो ऑफ द टू पेजेस कंबाइंड। फोटो में भेजना है, ठीक है, PDF में नहीं भेजना, ओके। प्रोसीजर बोला तो है मैंने, यही सारा प्रोसीजर है। प्लेस द जर्मिनेटिंग सीड्स इन द कॉनिकल फ्लास्क, ऐसा ऐसा जो सेटअप बनाया उसी को प्रोसीजर मिलेंगे। हाँ जी, एनी कंफ्यूजन, एनीथिंग एल्स?